बीएसएनएल कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा न करने पर हमीरपुर बाजार में कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए तो मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। गांधी चौक पर इकट्ठे होकर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया और दो टूक शब्दों में केंद्र सरकार को चेताया है कि अगर मांगे जल्द नहीं मानी गई तो देश भर के करीब 2.5 लाख बीएसएनएल कर्मचारी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे और चुनावों में नोटा बटन का प्रयोग करेंगे। बीएसएनएल कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार बीएसएनएल को घाटे में दर्शाने के लिए कर्मचारियों को दोषी मान रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सरकार ने लंबे समय से स्टैम्पन आवंटन में देरी के अलावा विभिन्न प्रकार के नियमों को डालकर बीएसएनएल को नुकसान पहुंचाया है। 2009 तक बीएसएनएल पूरे फायदे में था, लेकिन बाद में स्पेक्ट्रम नहीं मिलने से बीएसएनएल घाटे में पहुंचा है। बीएसएनएल संयुक्त मोर्चा के संयोजक करमचंद ने बताया कि बीएसएनएल कर्मचारियों की मांगों को लंबे समय तक लटकाया जा रहा है और बार बार प्रदर्शन करने के बाद सरकार समस्याएं हल नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार जल्द नहीं मानी तो लोकसभा चुनावों में नोटा बटन दबाकर सबक सिखाया जाएगा। मुख्य कारण है कि तमाम हिंदुस्तान में केंद्र सरकार ने आपने तमाम कर्मचारियों को जो वेतन वृद्धि कर दी है, लेकिन बीएसएनएल की वेतन वृद्धि जो 1/1/2017 से पेंडिंग पड़ी हुई है, आज दिनांक तक उसका ऊपर कुछ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कल हमें एक अल्टीमेटम दिया है कि बीएसएनएल जो है लॉस में जा रहा है, इसलिए आपको थर्ड पीआरसी जो हमारी वेतन वृद्धि की डिमांड है इसको नहीं माना जाएगा, और साथ में हमारी आज से संबंधित हमारी डिमांड थी 4G स्पेक्ट्रम थी, हमने सरकार से डिमांड की थी कि हमारी जो आय है इसकी वृद्धि के लिए 4G स्पेक्ट्रम शीघ्र लागू किया जाए, और साथ में जो हमारे पेंशन कर्मी थे उनके जो पेंशन थी उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। और साथ में हमारी एक और एक डिमांड थी कि जो पेंशन जो हमारे कर्मचारी को देते हैं जो उसकी एक्चुअल बेस के ऊपर उसको जो हमारे से कंट्रीब्यूशन लेते हैं एक्चुअली बेस के ऊपर करना चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। साथ में हमारे सेकंड पीआरसी के कुछ एक इशू अनसेटल थे, उसको सेटल करने के लिए हमारी ये प्रमुख मांगे थी। बाकी हमारी जो बीएसएनएल के हित के लिए ही तमाम डिमांड थी, ताकि जो हमारे बीएसएनएल बार बार घाटे में जा रहा है कर्म, इसके लिए हमारी आज एक डिमांड थी, क्योंकि हमारा घाटा जो था कर्मचारियों की वजह से बिल्कुल घाटा नहीं था, ये घाटा जो है इसलिए है क्योंकि एक तो हमारे को टाइम के ऊपर स्पेक्ट्रम नहीं देते, हमारे लिए किसी प्रकार का कोई जो भी हमारे लिए अकाउंट चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं करवाते, इसलिए हमारे लिए घाटा होता है। क्योंकि इसका हम एक उदाहरण है, 2009 तक बीएसएनएल बहुत ज्यादा 35-40 हजार करोड़ प्रॉफिट में था, लेकिन उसके पश्चात सरकार ने हमारे को 3-4 साल में किसी प्रकार का कोई स्पेक्ट्रम नहीं दिया, किसी प्रकार का हमारे को कोई कुछ नहीं दिया, जिसके कारण हम घाटे में जाते गए, इसका मेन कारण है। और सरकार कहती है कि घाटा जो है कर्मचारियों की वजह से है, जबकि कर्मचारियों की वजह से किसी प्रकार का घाटे हैं, कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। ये तमाम जो घाटा है सरकार का जो हम एजेंडा लागू करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एजेंडा हम सरकार का लागू करते हैं, क्योंकि हमें उनके नियम के अनुसार काम करना पड़ता है, और वहां से हमें इनकम आए ना आए ये इसलिए हमारे को घाटा होता है। इसलिए हमारी डायरेक्ट डिमांड है कि हमारे जो थर्ड पीआरसी है शीघ्र लागू होना चाहिए, और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल पेस के ऊपर कटना चाहिए, 4G स्पेक्ट्रम हर को शीघ्र लागू होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। बिल्कुल हम उनका डट के विरोध करेंगे, हम उनके अगेंस्ट करेंगे, हम नोटा दबाएंगे, हम किसी भी पार्टी के साथ किसी को कोई समर्थन देंगे, तमाम हिंदुस्तान भर में तमाम बीएसएनएल कर्मी नोटा का उपयोग करेंगे, किसी सरकार का हम अपना उनका पूरी तरह से विरोध करेंगे।